ये डरा डरा ऑफिसर अच्छा नहीं लगता, है ना? आप सहमत है कि नहीं? क्या मैं डरा डरा काम करूं या आप डरे डरे करें? नोबडी लाइक्स। चार लोग दिमाग खराब करने वाले तो मिल जाते हैं जूनियर। हाँ सर, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं सर, सुप्रीम कोर्ट नाराज हो गया तो कुछ बत्ती पड़ जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, है ना? ऐसे डरना नहीं है। आप ईमानदार अपराइट ऑफिसर है, आपको किससे डरना है? किसी के नहीं, बस उसमें ऑर्डर में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। बोलना हमेशा अच्छा है, लेकिन समझ के बोलना और ज्यादा अच्छा है। बोलना तो बात अच्छा है कि वो ये कहेंगे कि हमारी सरकारी वकील ने तो मुंह नहीं खोला, लेकिन अगर समझ के बोलना तो ज्यादा अच्छा है। आप जो हमने बात कही, आप डू यू डिसएग्री विद दैट? नो, व्हाई रिप्लाई माय नॉट, इट इज ब्लेटेंट कंटेंट, इट इज नॉट केस मिसलीडिंग स्टेटमेंट बाय द स्टेट काउंसिल। इन दिस केस अर्लियर शी हैड सेड कि इन दिस केस स्टे हैज बीन ग्रांटेड। क्या आपको किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट को यह डर लगता है कि हम कोई अगर ऑर्डर करें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का वायोलेशन तो नहीं हो जाएगा? आप कहीं फंसेंगे तो नहीं? हमारी कलम तो नहीं फंसेगी? लॉर्ड, इट इज टोटली मिसलीडिंग। दे आर अनसक्सेसफुल अप टू सुप्रीम कोर्ट। आई विल गिव द डायरी नंबर आल्सो। टोटली मिसलीडिंग माय लॉर्ड, दे आर दिस पीपल। आपके जेब से कुछ जा नहीं रहा तो क्यों आप लोग इतना? जब उसमें सबसे बुरी चीज है कि खाना बन गया, सब हो गया, केवल हम उसको करने रहे, सड़ा रहे, ठंडा कर रहे हैं कि वो पहले वो भावर पड़ जाने दो। पहले ऐसे ही होता था, लड़के वाले पहले खाते थे, तब वो नियम आजकल बदल गया। आजकल सब आओ, लिफाफा दो, खाना खाओ, घर जाओ। मिस्टर सिंह, क्या कह रहे हैं आप? आवाज आ रही है आपको? आपका माइक ऑफ है, माइक म्यूट है, माइक ऑन करें। लॉर्डशिप, ये निवेदन है कि एसएलपी सुप्रीम कोर्ट के स्टे होने के कारण प्रमोशन नहीं हुआ है सर। आदेश के पालन में डीपीसी हम लोगों ने कर रखी है सर, आदेश के पालन में डीपीसी कर रखी है, लेकिन एसएलपी में स्टे होने के कारण ऑर्डर जारी नहीं हो पा रहे हैं सर। डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर दैट टीपीसी हैज बीन कंडक्टेड एंड रिजल्ट्स आर इन सील कवर। फाइनल क्यों? आपका डीपीसी हो गई है ना? रिव्यू डीपीसी हुई है सर। रिव्यू डीपीसी हैज बीन कंडक्टेड एंड रिजल्ट आर इन स्टील कवर। जैसे रिव्यू डीपीसी में जो भी आपका निर्णय, उसको एक सुरक्षित रख लेते होंगे या वो सबको पता है कि रिव्यू डीपीसी में क्या हुआ है? सुरक्षित है, है? सुरक्षित है ना? आपको आवाज आ रही है मिस्टर सिंह? यस लॉर्डशिप, रिव्यू डीपीसी का जो परिणाम है, क्योंकि पिटिशनर वुड बी इंटरेस्टेड कि उनके पक्ष में है नहीं है वॉट एवर, तो रिव्यू डीपीसी का रिजल्ट आपने सुरक्षित रख लिया होगा ना? सुरक्षित है जी। हाँ, सर को थोड़ा कहना है आप। हाँ, इज सिक्योर, इज सिक्योर है ना? बट ड्यू टू द एसएलपी इन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, एसएलपी नंबर2016, नो, इसलिए आपने कोई आदेश जारी नहीं किए, ठीक है ना? उसमें एसएलपी में स्टे है, इट इज सबमिटेड दैट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन दैट केस हैज डायरेक्टेड द स्टेटस को टू बी मेंटेन्ड। अब आप बताइए, ऑन द अदर हैंड लंडन काउंसिल, सर मेरा ऑर्डर पढ़ लीजिए आप, माननीय न्यायालय का जो है, जिसके जिसकी कंप्लायंस के लिए फाइल की है। मिसलीडिंग है, टोटली मिसलीडिंग, ब्लेटेंट कंटेम्प्ट है, मेरा इन्फॉर्मेशन, प्लीज अप्रिशिएट। Submit that in writ petition number 12638/24, Kanhaiya Lal Patle versus State of MP and others, order dated 20 May 24, Honorable Coordinate Bench has
Ballot, may I read my lot if my lot permits? Because the second paragraph. No, no, the petitioner by instant petition filed under Article 226 of the Constitution of India, challenging the validity of order dated 29/4/2024, annexure P6, whereby the respondent authorities have refused to convey a review DPC, taking shelter of order passed by the Supreme Court pending SLP number 13954/2016. Versus state of MP RV Rai, what they have just stated about this, saying that until the said said case has been decided. Sir, ये पैरा टू पूरा वर्बेटम कोट कर देना, पैरा टू पूरा वर्बेटम कर देना. ये आप जो इस ऑर्डर को मिसलीड कर रहे हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट देखिए, आपको अल्टीमेटली क्या क्या है कि आपको किसी भी गवर्नमेंट स्टूडेंट को यह डर लगता है कि हम कोई अगर ऑर्डर करें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का वॉयलेशन तो नहीं हो जाएगा, आप कहीं फंसेंगे तो नहीं, हमारी कलम तो नहीं फंसेगी. लेकिन ऑनरेबल संजय द्विवेदी साहब के इस ऑर्डर के पैरा टू में आप 100% प्रोटेक्टेड है, तो आप उसके हिसाब से एक्ट कीजिए जबरदस्ती, उसकी आप शरण ले रहे हैं उस ऑर्डर की, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के स्टेटस को. की भाई अगर जैसे मानिए कोई बड़ा कानूनी मसला है, जैसे आप डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर है, कोई बड़ा कीट पतंगे का कुछ प्रश्न है कि साहब फसल नष्ट हो रही है, तो लोग किस पे जाएंगे, विशेषज्ञ पे जाते हैं ना कि भाई आप बताओ हमारे फसल को ये रोग लग गया है. अगर उसने बताया यू एक्ट, ऑनरेबल संजय द्विवेदी साहब ने जो उस ऑर्डर का और जो डायरेक्शन दिया आपको उसका पालन करना है, जबरदस्ती आप कंप्लाई नहीं कर रहे, यू आर कमिटिंग कंटेंट. योर लॉर्डशिप इफ मे आई, योर लॉर्डशिप प्लीज, लॉर्डशिप दैट ऑर्डर हैज बीन बोलना हमेशा अच्छा है, लेकिन समझ के बोलना और ज्यादा अच्छा है. बोलना तो बात अच्छा है कि वो ये कहेंगे कि हमारी सरकारी वकील ने तो मुंह नहीं खोला, लेकिन अगर समझ के बोलना तो ज्यादा अच्छा है. आप जो हमने बात कही, आप डू यू डिसएग्री विद दैट, लॉर्डशिप दैट वी हैव फाइल्ड अ रिट अपील अगेंस्ट दैट ऑर्डर एंड दैट हैज बीन स्टेड. तो ये बोलो बस, दैट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू, सिमिलर ऑर्डर्स हैव बीन पास्ड टू लॉर्डशिप इन दैट. एक मिनट, ये इसमें नहीं, किसी कनेक्टेड के कनेक्टेड सेम सब्जेक्ट मैटर. सर 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 इसमें सर दे आर नॉट इन दिस पिटीशन, इफ दे विल गो देन थिंग्स वुड बी डिफरेंट, व्हाट आर द फैक्ट्स ऑफ दैट पिटीशन, इट इज नॉट कवर्ड इन दिस. लेट अस फाइल अ रिप्लाई लॉर्ड. नो नो, व्हाई रिप्लाई, माय नॉट, इट इज ब्लेटेंट कंटेंट, इट इज नो केस मिसलीडिंग स्टेटमेंट बाय द स्टेट काउंसिल. In this case, earlier she had said, in this case, a stay has been granted. Lordship, let us file a reply. Therefore, in considerable view of this court, there is no reason why not to comply with the order of Red Court in order dated 20 May 2024. At this juncture, Learned Counsel, है ना मैडम का नाम डालना, submit that his party has not complied with the order for the second reason, that is that in WA number 2194/24, State of MP versus Dinesh Sahu and others, order dated 7/11/24, Honorable Writ Appeal Court till next date of hearing has granted stay on the single judge on the order of alternate single judge, but Learned Counsel for respondent very fairly submit that matter of Kanhaiya Lal is not directly involved in WA 2194/2024 order dated 7/11/24. Similarly, we'll file a reply, Your Lordship. We'll explain all the facts. That is our right, Your Lordship. That is our right. Reply is our right, Your Lordship. Let us allow to file a reply, a detailed reply. We'll explain our reply, how these matters are connected, Your Lordship, and how. आप इसमें भी कर लीजिए, who has stopped you? भाई जो जो similar जो petition file होते रहते हैं, तो दो लाइन का ऑनरेबल सुपीरियर कोर्ट ऑर्डर कर देते कि इसके एस पर फला फला शेल अप्लाई, तो आप इसमें क्यों नहीं जा रही है,
आप जब इनके में गई है, क्या नाम था, दिनेश साहू एंड अदर्स, वो भी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के एम्प्लॉई थे? नो, इट इज टोटली मिसलीडिंग. दे आर अनसक्सेसफुल अप टू सुप्रीम कोर्ट. आई विल गिव द डायरी नंबर आल्सो. माय लॉर्ड, टोटली मिसलीडिंग माय लॉर्ड. दे आर दिस पीपल. द रूल्स ऑफ 2002 हैव बीन स्टेट. मैडम वो हम सबको मालूम है, वो मत बताओ. हमने भी इससे अपना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के एम्प्लॉइज के प्रमोशन की है. केवल साहब ने इतना क्लियर रास्ता तो बता दिया, आप प्रमोशन करो. आप सुन रहे हैं ना मिस्टर सिंह, क्या आप प्रमोशन करो, उसमें बस एक लाइन डाल दो दैट दिस प्रमोशन शैल बी सब्जेक्ट टू द फाइनल ऑर्डर ऑफ एसएलपी. तो आपकी जेब से कुछ जा नहीं रहा, तो क्यों आप लोग इतना जब उसमें सबसे बुरी चीज है कि खाना बन गया, सब हो गया, केवल हम उसको करने रहे, सड़ा रहे, ठंडा कर रहे हैं कि वो पहले वो भावर पड़ जाने दो. पहले ऐसे ही होता था, लड़के वाले पहले खाते थे, तब वो नियम आजकल बदल गया. आजकल सब आओ, लिफाफा दो, खाना खाओ, घर जाओ. रोस्टर इज नॉट अवेलेबल, दैट इज द इशू. रोस्टर इज नॉट अवेलेबल. रोस्टर, अब ये आप तो नई चीज है कि हमारे पास पद नहीं है, रोस्टर नहीं है. ये तो मैडम इतना ज्यादा उसमें हौच पौच हो जाएगा, लोग रिटायर हो गए, लोग मर गए, नहीं हो गई, हजार कॉम्प्लिकेशन ये पैदा हो गए. और ऑनरेबल संजय द्विवेदी साहब का ऑर्डर मेरे हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है. हम लोगों ने खुद ये किया है इन डिस्ट्रिक्ट खंडवा, हमने वो किया, उसमें लिख दिया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में. 2016 की बात है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जो मैटर पेंडिंग है ये प्रमोशन उसके अधीन होंगे या माननीय उच्च न्यायालय. तब तो हम एडीजे थे, तब भी हमने ये लिखा, हमारी कमेटी ने किया कि उसके अध्याधीन रहेंगे, हम सुरक्षित है. आखिर मैडम अगर हम लोगों को भरेंगे नहीं, प्रमोशन नहीं करेंगे, तो आप कल्पना कर सकती हो कि क्या क्या होगा. जरा आपकी फीस भी नहीं बनेगी इस केस की. ये सिंह साहब के जो कार्यालय से जो बाबू भी रिटायर हो जाएगा, भर्ती नहीं होगी, आपकी फीस भी नहीं बन पाएगी इस केस में. समझ रहे हो ना, हमको डॉक्टर चाहिए, हर विभाग में जो ऑफिसर चाहिए वहां पे. अगर कोई भर्ती अगर नहीं होगा तो कैसा ये रहेगा, पद खाली नहीं रहेंगे, तो उस प्रोसेस को नहीं रोकना. आप समझ गए कि नहीं? क्यों आवाज आ रही है आपको? सर आपको प्रमोशन करने हैं, या तो रिट अपील से आपके पास कोई स्टे नहीं है इस केस में, आपको प्रमोशन करने हैं सब्जेक्ट टू दी ऑर्डर, जैसा ऑनरेबल द्विवेदी साहब ने किया, आपको उस आदेश का पालन करें. आप 200% सुरक्षित है, आप करिए. लोग उस ऑफिसर को पसंद करते हैं जो दिल और दिमाग से सही निर्णय लेता है. ये डरा डरा ऑफिसर अच्छा नहीं लगता, है ना? आप सहमत है कि नहीं? चाहे मैं डरा डरा काम करूं या आप डरे डरे करें, नोबडी लाइक्स. चार लोग दिमाग खराब करने वाले तो मिल जाते हैं जूनियर. हाँ सर, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं सर, सुप्रीम कोर्ट नाराज हो गया तो कुछ बत्ती पड़ जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, है ना? ऐसा डरना नहीं है. आप ईमानदार अपराइट ऑफिसर है, आपको किससे डरना है? किसी के नहीं, बस उसमें ऑर्डर में रिफ्लेक्ट होना चाहिए. एक छोटा सा निवेदन था, जो WA 2107 है 24 की, ये हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट रिलेटेड नहीं है, बट दे आर सिमिलरली सिचुएटेड एम्प्लॉइज हूज ग्रीवियंस आर सेम. मैडम मैडम आपको मालूम है, हर आदमी का इलाज अपने हिसाब से होता है. देर आर साइटेशन की, जैसे मानिए कोई क्रिमिनल अपील है, सुप्रीम कोर्ट में एक मुलजिम ने, सजा याफ्ता ने अपील की, सुप्रीम कोर्ट ने ये पाया उस मुलजिम की अपील में कि ये केस पूरा ही कुछ साबित नहीं हुआ, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उस मुलजिम को बरा कर दिया. सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये लिख देती है कि बाकी चार लोगों ने जो जेल में है उन्होंने अपील नहीं की है, लेकिन सिंस द प्रोसिक्यूशन केस हैज फेल्ड एंटायरली, देयरफॉर दे वुड बी, एक लाइन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट लिख देती है तो सबको मिल जाता है. कई बार ऐसे ऑर्डर आते हैं बार एंड बेंच में, लाइव लॉ में या साइटेशन पढ़े, कि अगर सिमिलरली, आई थिंक कल ही बार एंड बेंच में था, कि अगर एक केस में, लेकिन वो रिलीफ के लिए होती है, नॉट नेगेटिव. हमको हमेशा ये अप्रिशिएट करना है कि इसको हम पॉजिटिव वे में पढ़ेंगे. उसमें है कि जैसे कोई क्रमोन्नति का मामला है, अगर एक गवर्नमेंट सर्वेंट को कोई एक जनरल ऑर्डर हो गया, तो बाकी सबके लिए
विभागीय अधिकारी को हर किसी को नहीं बोलना चाहिए कि ये आदमी हाईकोर्ट से ऑर्डर कराया जाए, आप भी हाईकोर्ट से ऑर्डर करो। अगर वो समझदार ऑफिसर है वो अपनी नोटशीट में लिखेगा कि ये परिस्थिति में इस माननीय उच्च न्यायालय ने इस केस में ये निम्नलिखित 100 लोगों के केस भी बिल्कुल समान है, इसलिए इस आदेश के उसमें ये माना जाएगा। परंतु यदि कोई किसी की कोई आपत्ति है तो वो इसके विरुद्ध आदेश के विरुद्ध अपील कर सकता है। इवन हम लोगों को भी कहा जाता है कि अगर आप किसी को कन्विक्ट करें कुछ करें तो आप बताएं इसकी अपील फलानी न्यायालय में, जैसे सिविल जज क्लास 2 के रूप में एक ऑर्डर किया कि इसकी अपील 28वें अपर जिला न्यायाधीश जबलपुर के यहाँ होगी। पार्टी को वकील को पता चल जाता है, इधर उधर भटकना नहीं पड़ता है, तो वो दूसरे विभाग से कैसे हम करेंगे। मतलब अब ये मजे की बात है कि ऑनरेबल संजय द्विवेदी साहब ने इस केस में ऑर्डर किया वो आप मान नहीं रही और दूसरे विभाग के दूसरे केस के ऑर्डर को आप मान रही हो, तो ये तो मतलब ये एक नेगेटिव एटीट्यूड शो करता है कि हमको वो साइटेशन ले आओ। जैसे कुछ जज होते हैं वो कहते भैया अपन को तो बेल नहीं देनी है, बड़े गंभीर मामला है, डाउरी डेथ में एंटीसिपेटिव बेल दे दी तो बड़ा हंगामा हो जाएगा, जज की निष्पक्षता ईमानदारी पे सवाल हो जाएंगे, तो जितने साइटेशन है किताबों में बेल रिजेक्ट करने के लिए आओ। वो वकील साहब एप्लीकेंट के कहते हैं जितने साइटेशन है बेल देने के एंटीसिपेटरी 304 बी में वो ले आओ। नहीं, जज को आप भी You are also officer of the court. Yes, Lordship. तब आप समझ गई? Lordship, department की यहाँ बिल्कुल आप utterly mislead कर रही हैं court को। मैंने आप तो madam लग रही हैं आप। Give us 4 weeks time, Lordship. क्या reply के लिए time? We'll file the compliance report, Lordship. Compliance report, आप reply नहीं? In case, your Lordship, the aforesaid. देखिए अगर आप इसमें writ appeal में जाके इसके करा रहे थे तो मुझे कुछ नहीं कहना। Lordship, वो आपके और honorable writ appeal court के बीच का मामला है। लेकिन अगर आप writ appeal court में तो मेरी सलाह है, वरना अब चूंकि आज इतने डिस्कशन के बाद ये हो जाएगा कि आप लोग तो करने तो कंटेंट बिल्कुल प्रूव हो जाएगा। एक्चुअली वो तो शेखर शर्मा जी अभी ये खुश मूड में इसलिए कुछ कह नहीं रहे कि साहब कंटेंट प्रोसीडिंग ड्रॉ करो। लेट अस ग्रांट अस टाइम और लेट्स चैलेंज इट बिफोर। नहीं मैडम, ये कोई मेरा काम नहीं है कि आपको उकसाऊं कि आप चैलेंज करो, जबकि आप देयरफॉर ऑन आस्किंग एज ए मैटर ऑफ लास्ट है लास्ट इंटेलिजेंस 2 week टाइम इज ग्रांटेड टू कंप्लाई विद द ऑर्डर एंड फाइल कंप्लायंस रिपोर्ट। डीपीसी तो तैयार है केवल ऑर्डर जारी करने टू फाइल कंप्लायंस रिपोर्ट एंड इफ कंप्लायंस रिपोर्ट इज नॉट फाइल्ड बिफोर नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग देन फर्दर प्रोसीडिंग रिगार्डिंग कंटेम्प्ट केस मे बी ड्रॉन अप अगेंस्ट द कंसर्न ऑफिसर। मेक इट 4 weeks, मेक इट 4 नहीं कमेंसिंग डेट